दोस्तों, जैसे जैसे हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि अपना 100% देने के बाद भी वैसा रिजल्ट नहीं मिलता है, तो उस समय बहुत सारे लोग सैडनेस, डिप्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट में चले जाते हैं। उस समय शायद हमारे कोई दोस्त, कोई परिवारजन या कोई खास मित्र भी हेल्प नहीं कर पाता है। उस समय शायद हम किसी हायर पावर की तरफ टर्न होते हैं, जिसको हम खुदा, अल्लाह, सुप्रीम, अल्टीमेट रियलिटी, आप उसको किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। आप उसमें बिलीव कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ये सांसें चल रही हैं तो कुछ तो ऐसा है मेरे अंदर और आपके अंदर जो इन्हें चला रहा है। तो अल्टीमेटली वो सेंस ऑफ सरेंडर डेवलप होता है कि जो अब तेरी मर्जी है वही मेरी मर्जी है। तो एक्चुअली आप अपनी हायर इनर सेल्फ से ही बात कर रहे होते हैं और पूछ रहे होते हो कि अब मुझे रास्ता दिखाओ। और जब उस हायर प्लान को हम समझ पाते हैं तो हमें सारे प्रश्नों का जवाब मिलने लगता है। तो ये पोयम मैंने उसी के लिए लिखी है कि ले खड़ी मैं नग्न होकर आज तेरे सामने, मांगती हूं भीख थोड़ी सी दया की आज मैं, अश्रु आंखों से नहीं दिल से है निकले आज ये, भर दे मेरी झोली आज इस दरबार में, तेरे सिवा बाकी नहीं दुनिया में अब मेरा रहा, कल तक जो लगता ठोस था जर्जर हुआ जाता रहा, दे दो थोड़ी शक्ति, थोड़ी भक्ति, थोड़ी मुक्ति अभी, बस प्रीत में है तेरी मुक्ति मेरी, आज इस संसार की नादानियां खाने लगी, रिश्ते नाते सब मुझे छूकर कहीं जाने लगे, एक नजर का तेरी मुझको अभी भी इंतजार, जोड़ती हूँ पल दो पल, दे दो मुझे थोड़ा सा प्यार, राह में कांटे खिले हो या कहीं खर पतवार, रुकने ना देना मुझे कर जाऊंगी मैं सबको पार, उंगली था में ही सही तुम रहना बस छाया समान, उंगली था में ही सही तुम रहना बस छाया समान, धीरे धीरे ही सही होगा मुझे भी आत्मज्ञान, होगा मुझे भी आत्मज्ञान। थैंक यू।